संगीतास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी महाराष्ट्रियन पिथला बनाना, जिसके लिए हम लेंगे ये बेसन और इसमें डलेगी ये बारीक कटी हुई प्याज, ये हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा पुदीना, राई और मसाले, और बाद में हम डालेंगे नींबू का रस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कढ़ाई में प्याज भूनने रख देंगे। हम जब तक ये हमारी प्याज भून रही है तब तक हम बेसन को घोल लेंगे। ये बेसन मैंने इसमें डाल लिया है। हम बेसन को हम लम्प फ्री बनाने के लिए धीरे धीरे पानी डाल के एक लम्प फ्री घोल बना लेंगे। पिथला बहुत ही टेस्टी सब्जी है महाराष्ट्र की, और जैसे हम लोग नॉर्थ में कढ़ी खाते हैं वहाँ पे पिथला खाते हैं। डिफरेंस यही है कि इसके अंदर वो लोग दही नहीं डालते, महाराष्ट्रियन डिश में दही नहीं डलता, उसकी जगह लेमन जूस डलता है। और इसको टैंगी और अच्छा टेस्ट देने के लिए इसके अंदर डलती है ये हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, जो मैं अब इसके अंदर डालने जा रही हूँ प्याज के साथ। इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। और साथ में मैं डालूंगी थोड़ी सी ये राई। और अब चला लेते हैं इसको। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लेकिन स्वाद के लिए थोड़ा ये मसाला हमारा ब्लेंड होना चाहिए। अब ये हमारा प्याज और ये लहसुन और हरी मिर्च थोड़ा सा भुन चुका है, तो इस पॉइंट पे हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी, और मैं डालूंगी ये मिर्च, और हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, और डालेंगे इसके अंदर नमक, नमक स्वाद अनुसार जैसा आपको टेस्ट अच्छा लगे। और इसको हम थोड़ी सी देर मिला लेंगे। तो अब आप देखिए ये सारे हमारे सूखे मसाले भुन चुके हैं और इसमें बढ़िया खुशबू आ रही है। और पिथला बनाना बहुत ही इजी रेसिपी है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए। और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर ये खुला हुआ बेसन, धीरे धीरे हम डालेंगे और इसको फटाफट चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्ब्स ना बने, देखिए। और इसी टाइम पे मैं डाल दूंगी इसके अंदर ये दो नींबूओं का रस, आप एक नींबू भी डाल सकते हैं खट्टा करने के लिए, इसमें नींबू बहुत ही बढ़िया लगेगा, ये देखिए। और अब ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो इस टाइम पे ही हम डाल देंगे इसमें थोड़ा बारीक कटा हुआ पुदीना और बारीक कटा हुआ धनिया। बहुत ही अच्छी बनेगी ये सब्जी, इसको हम कहते हैं बेसन करी पिथला, या आप कह सकते हैं मसाला पिथला। और ये आप खाइए गरम रोटी के साथ और इंजॉय करिए। तो ये देखिए हो गया हमारा बढ़िया पिथला तैयार, इसको आप आज ज़रूर बना के और इन्जॉय करिए। तो बस अब मैं करती हूँ प्लेटिंग की तैयारी। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर से ये बनके होगा तैयार। तो ये देखिए ये हो गया हमारा महाराष्ट्रीयन पिथला तैयार, इसको आप इंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लव माई वीडियोज़।